खबर बता दें इस वक्त की आपको, बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा होने पर पार्टी नेताओं में खलबली मची हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इलेक्शन ब्रेकिंग 2014 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सोमवीर सांगवान इस्तीफा दे सकते हैं। बबीता फोगाट को टिकट देने पर सोमवीर ने समर्थकों के साथ मीटिंग की है। 1 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग में पार्टी छोड़ने या किसी दूसरे दल में जाने का ऐलान कर सकते हैं या हो सकता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करें। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और सांगवान खाप 40 के प्रधान हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बबीता की जितनी उम्र है उतने समय तक समाज सेवा को समय दिया, ये कहना है सोमवीर सांगवान का। बबीता फोगाट को टिकट दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और सोमवीर सांगवान ने कहा जितनी बबीता फोगाट की उम्र है उससे ज्यादा समय तक समाज सेवा उन्होंने की है। दादरी से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दादरी से ही विधायक थे सोमवीर सांगवान, दादरी से ही चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन टिकट कट गया है, उनकी जगह बबीता फोगाट को टिकट दिया है। बबीता राजनीति की बजाय खेल में अपना दम दिखा, ये कहना है सोमवीर सांगवान का। बड़ी जानकारी आपको दे दे, सोमवीर सांगवान का टिकट कट गया है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।